तो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हमारे डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ, पुलिस के जवानों और दूसरे फ्रंट लाइन योद्धाओं का देश की तीनों सेनाएं आज सम्मान कर रही हैं। उत्तर के से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक देश की तीनों सेनाएं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे योद्धाओं का सम्मान कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे फ्लाइट पास्ट किया जा रहा है और उन अस्पतालों पर फूल बरसाए जा रहे हैं जहां कोरोना के खिलाफ ये जंग लड़ी जा रही है। ये सम्मान उन पुलिस कर्मियों को, उन स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जा रहा है, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ को दिया जा रहा है जो इस समय ग्राउंड जीरो पर ये जंग लड़ रहे हैं। ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम इस समय, दिल्ली की, मुंबई की और ये देख सकते हैं आप जहाँ पर फ्लाईपास्ट के जरिए फूल बरसाए जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स के जरिए, जहाज़ों के जरिए। और ये लेह की भी तस्वीर आप देख सकते हैं, खूबसूरत नज़ारा किस तरह से इस समय दिखने को मिल रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब आसमान से फूल बरसाए जा रहे हैं, सम्मान दिया जा रहा है उन डॉक्टरों को, नर्सों को, बाकी के पैरामेडिकल स्टाफ को, सुरक्षा कर्मियों को और कोरोना वॉरियर्स को यहाँ सम्मान दिया गया। ये चेन्नई से त्रिवेंद्रम की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारे स्वास्थ्य कर्मी जुटे हुए हैं और कोरोना योद्धाओं को, आज बता दें आज कोरोना वॉरियर्स डे मनाया जा रहा है एक तरह से। सेनाओं को यह आदेश था, तीनों सेनाएं आज यहां फ्लाईपास्ट करके इन लोगों को सम्मान दे रही है। आसमान से फूल बरस रहे हैं, त्रिवेंद्रम की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। समय हॉस्पिटल्स के बाहर ये स्वास्थ्यकर्मी जुटे हुए हैं, आज इनको सम्मान दिया जा रहा है। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस हेलीकॉप्टर से इन लोगों पर फूल बरसाए जाएंगे, देखिए ये तस्वीरें। कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर रही है सेनाएं, आसमान से बरसाए जा रहे हैं फूल, स्वास्थ्य कर्मियों को किया जा रहा है सम्मान। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हर जगह, चारों कोनों में सेनाएं इस समय सम्मान देती हुई उन योद्धाओं को, उन स्वास्थ्य कर्मियों को जो जी जान से इस समय अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं, अपनी जान की चिंता ना करते हुए वो इस लड़ाई में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। ये विशाखापट्टनम की तस्वीरें हमारे पास पहुंच चुकी हैं जो इस समय आप देख रहे हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो गोले बनाए गए हैं और एक प्रॉपर डिस्टेंस यहाँ रखा जा रहा है और लोग उस घेरे में खड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर सम्मान दिया जाएगा, फूलों की वर्षा की जाएगी और इस बात का यहाँ उल्लंघन नहीं हुआ है और लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ख्याल रखते हुए। ये देखिए ये तस्वीरें किस तरह से फूलों की वर्षा की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर मोटिवेशन भी देता है क्योंकि देख रहे हैं हम जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मियों को भी लेकर कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उस चीज़ को बिल्कुल परे रखकर अपनी ड्यूटी यहाँ पूरे तौर पर निभाते हुए ये स्वास्थ्य कर्मी नजर आए और जिस तरह से ये जंग लड़ी जा रही है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है और उनके लिए ये सम्मान बेहद ज़रूरी है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें किस तरह से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं, सम्मान दिया जा रहा है। आज पूरा देश इन सभी स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मान दे रहा है। ये विशाखापट्टनम से तस्वीरें आपके लिए। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ, साथ ही साथ पुलिस के जवानों और दूसरे फ्रंटलाइन योद्धाओं का देश की तीनों सेनाएं आज सम्मान कर रही हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक देश की तीनों सेनाएं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे इन योद्धाओं का आज सम्मान कर रही है। अलग अलग जगहों से हम आपके पास ये तस्वीरें लेकर आ रहे हैं। ये अब तस्वीर जो है ये मुंबई की है,
मुंबई महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित कोरोना से इस समय, जहां रोज न जाने कितने ही लोग संक्रमित हो रहे हैं कोरोना से, और यहां पर स्वास्थ्यकर्मी बिल्कुल डटे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। और ये इस समय ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं, जहां पर कोरोना वायरस के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आज यहां उन स्वास्थ्यकर्मियों को सम्मान दिया जा रहा है तीनों सेनाओं की तरफ से। तीन तस्वीरें फिर से आपके सामने, चंडीगढ़, पंचकुला और लखनऊ की। आप देख सकते हैं किस तरह से स्वास्थ्यकर्मी भी यहाँ उत्साहित नज़र आ रहे हैं। एक तरह का यहाँ उनको भी ब्रेक मिलता हुआ और एक मोटिवेशन यहाँ बड़े तौर पर मिलती हुई। आर्मी बैंड भी पंचकुला में आप देख सकते हैं, आज आर्मी बैंड भी हॉस्पिटल्स के सामने, उनका भी परफॉर्मेंस था। और ये पंचकुला में नागरिक अस्पताल के सामने एक आर्मी बैंड परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बड़ी यहाँ पर मोटिवेशन दी जा रही है, उन स्वास्थ्यकर्मियों को सम्मान दिया जा रहा है। तीन तस्वीरें चंडीगढ़, पंचकुला और लखनऊ की आपके सामने। आज पूरा देश इन लोगों को सम्मान दे रहा है, सल्यूट कर रहा है कि जिस तरह से इस महामारी में ये लोग अपनी ड्यूटी के लिए डटे हुए हैं, उसके लिए यहाँ इनको सम्मान मिलता हुआ। हर जगह से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, चंडीगढ़, त्रिवेंद्रम, मुंबई, दिल्ली, सब जगह से आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहां तक कि लेह, श्रीनगर, बेंगलुरु की भी तस्वीर अब सामने आ गई है। भोपाल से ये तस्वीर आप देखिए, कोरोना योद्धाओं को यहां सम्मान देती हुई तीनों सेनाएं, श्रीनगर, बेंगलुरु और भोपाल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सेना ने कोरोना वॉरियर्स का अनोखे तरीके से यहां सम्मान करते हुए, मुंबई की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से सभी स्वास्थ्यकर्मियों को बाहर लाया गया, उन्हें एक ग्राउंड में खड़ा किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पालन ज़रूर देखने को मिल रहा है। और अब उन पर फूल बरसाए जाएंगे, एक तरीके से ये बहुत बड़ा सम्मान, साथ ही साथ एक थोड़ा सा उनको बेहतर फील करवाने के लिए, क्योंकि जब आप इतने संक्रमित लोगों के साथ होते हैं, एक तरीके का तनाव भी आपके अंदर होता है, तो जहां इनके ऊपर ये फूल बरसेंगे वो तनाव भी कहीं ना कहीं कम होता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। पंचकुला की ये बेहतरीन तस्वीरें आपके सामने, जहां आर्मी बैंड परफॉर्म करता हुआ बाहर सभी स्वास्थ्यकर्मी खड़े हैं, उनके बीच ये आर्मी बैंड उनका मनोबल बढ़ाता हुआ। आर्मी बैंड्स अक्सर इसी काम के लिए होते हैं, जहां पर वो जवानों का मनोबल बढ़ाते हैं, उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगाते हैं, वही उसी तरह यहाँ आर्मी बैंड इन स्वास्थ्यकर्मियों का मनोबल बढ़ाता हुआ। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में फ्रंटलाइन में मोर्चा संभाल रहे डॉक्टरों, सफाई कर्मियों, चिकित्सा सहायकों व अन्य लोगों का सेना ने आज अनोखे तरीके से सम्मान कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सभी जगहों से आपके सामने ये तस्वीरें हम रख रहे हैं। कोरोना वायरस को सलामी देने के लिए आज फ्लाई पास्ट का आयोजन हुआ है, और जिस तरह से ये तस्वीरें आ रही हैं, हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, सभी स्वास्थ्यकर्मियों को बाहर इकट्ठा किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो रहा है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स आप देख सकते हैं, जो कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं, और कोरोना योद्धाओं के सम्मान में अस्पतालों पर ये फूलों की वर्षा कर रहे हैं।